जी, तो हुआ इतना कि 1854 में एक एक्ट आया, कैनसास नेब्रास का एक्ट 1854। इस एक्ट ने जो सिविल वार का आगाज किया बता अमेरिका की सरजमीन के अंदर, हुआ क्या, इस एक्ट के मुताबिक जो जो दो नई रियासतें बनी उन रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि अगर वो चाहें तो लोगों की अक्सरियत जो अगर फैसला करती है तो वो गुलामी को जो है वो अलाउ कर सकती हैं अपनी रियासतों के अंदर। और स्लेवरी, ह्यूमन स्लेवरी, और खासतौर पे ह्यूमन स्लेवरी नहीं बल्कि जो हबशी लोग थे उनकी अफ्रीका से गुलामों को लाया जाना, और जो अमेरिका की सरजमीन पे मुकामी लोग थे, अमेरिकन नेटिव जो कबाइली ट्राइब्स थे उनको गुलाम बनाया जाना। तो अब मामला मैंने आपको बताया कि गुलामी के ऊपर अमेरिका के अंदर ये एक सिविल वार हुई 1860 से 65 तक। ये कैसे हुई, इसमें जो हुआ, जो ऊपर शुमाल की रियासतें हैं, शुमाल में आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कि सर्दी बहुत है, बर्फबारी हो रही है, तो ज़रात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो बहुत ही कम है। अब जब ज़रात नहीं है और नीचे के जो इलाके हैं जहाँ पे ज़रात है, कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, टोबैको प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ऊपर के इलाके जहाँ पे ज़रात ही नहीं है, नॉर्थ के इलाकों में ज़रात ना होने की वजह से हम देखेंगे कि वो उन लोगों का एजुकेशन की तरफ बड़ा ध्यान गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ उनका ध्यान गया, उन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल फहम है, रीजनिंग जो है, पॉलिटिकल रीजनिंग और सियासी शऊर उन लोगों में, नॉर्थ के इलाकों के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया गया बनिस्बत जनूब के लोगों में। और जो अमेरिका की आज़ादी की तहरीकें और वार ऑफ ये सारी नॉर्थ की जो रियासतें हैं उन्हीं की आइडियाज़ और मतलब उन्हें मिलना था। खैर, जो अब मामला हुआ, नॉर्थ की रियासतें कह रही थी कि ये गुलामी और स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। कहानी कुछ यूं है, नॉर्थ में फैक्ट्रीज लग चुकी थी, इंडस्ट्रियल एरिया वो बन चुका था नॉर्थ की रियासतें, वहां पे अब गुलाम अनपढ़ लोग जो है वो काम नहीं कर सकते, वो खास किस्म के उनके पास वो हुनर नहीं है संतों में काम करने का, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, तो अब जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की। और यूरोप से लोग धड़ाधड़ अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, और अमेरिका की जो नॉर्थ के इलाकों में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उन इंडस्ट्रीज में लोग धड़ाधड़ जो है वो आके नौकरियां कर रहे हैं, और ये गोरे लोग हैं जी, सफेद चमड़ी वाले लोग। अब ये सफेद चमड़ी वाले लोग चाह रहे हैं कि गुलामों को खत्म किया जाए और गुलामों के बजाय हम लोग इन फैक्ट्रीज में काम करें। और जो नीचे नॉर्थ वेस्ट में जो लोग हैं वो तो ज़रात करने वाले लोग हैं, वहां पे फैक्ट्रियां नहीं है, तो अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमने गुलामी को प्रमोट करना है, और कॉटन और टोबैको वगैरह जो हम कर रहे हैं उसके लिए गुलामी जरूरी है। तो इसी चीज के ऊपर फिर कैनसास नेब्रास का एक्ट 1854 आया, उससे ये मामला बड़े 1860 के अंदर हम देखेंगे कि 1854 में फिर एक इब्राहिम लिंकन जो है वो नॉर्थ में उठा, और उसने उठ के गुलामी के खिलाफ, हबशी लोगों की गुलामी के खिलाफ बड़ी धुआंधार तकरीरें की, और वो शुमाल में बड़ा मशहूर हुआ, और जितना मशहूर शुमाल में हुआ उतना ही बदनाम वो वेस्ट में हुआ नीचे जुनूब के इलाकों में, कि ये लोग गुलामी के, ये इब्राहिम लिंकन, ये जो बाद में 1860 में जो है अमेरिका का सदर भी बना यूएसए का। खैर, बहरहाल हुआ ये कि जब ये इब्राहिम लिंकन को रिपब्लिकन पार्टी ने सदर का उम्मीदवार और इसको टिकट दी सदर की, और ये इलेक्शन हुआ और ये जीत गया और ये यूएसए का प्रेसिडेंट बना, तो इसकी कंपेन के दौरान ही वेस्ट की जो नीचे की जनूब की रियासतें थी उन्होंने कह दिया था कि अगर इब्राहिम लिंकन यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा तो हम यूएसए से अलग हो जाएंगे। और वही हुआ कि जब नवंबर 1860 में इब्राहिम लिंकन यूएसए का प्रेसिडेंट बना तो ये नीचे जनूब की 15 में से 11 रियासतों ने जो है वो अपने आप को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मरकजी हुकूमत थी, जो एक फेडरेशन थी, उससे अपने आप को अलहदा किया, और इन 11 रियासतों ने मिलकर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ यूएसए के नाम से अपना एक अलग ताकत के तौर पे ये अलग हो गए, और अपना इन्होंने इसको अपने इस इतिहाद को कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ यूएस का नाम दिया। अच्छा, मामला ये हुआ, फिर बकायदा जो एक जेफरसन थे वो इसके कॉन्फ़ेडरेशन इन 11 रियासतों के सदर भी बन गए। खैर, 1860 में जब ये अलग हुए और खाना जंगी शुरू हुई, अब एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ ये 11 रियासतें जो यूएसए से कट के अलग हो चुकी हैं गुलामी के मसले के ऊपर, कि गुलामी को लीगल किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, ये अलग हो गई। अब इन दोनों धड़ों में लड़ाई हुई 1800, ये 5 साल जो है 5 ईयर्स ऑफ सिविल वार के तौर पे भी जाने जाते हैं। 1865 में ये अमेरिका के अंदर सिविल वार खत्म हुई, और तकरीबन 5-5.5 लाख अमेरिकन की जो है वो उनके खून के साथ ये सिविल वार का एंड हुआ।
जी 1865 में जब ये री यूनियन हो गई 11 रियासतें दोबारा यूएसए के साथ, तो इब्राहिम लिंकन एक थिएटर में बैठे थे और इनको गोली लगी, मारी, परफॉर्मर नहीं मारी जो थिएटर पे परफॉर्म कर रहा था, और ये इतना फोत हो गया। और ये गोली मारने वाला जो है वो गुलामी के हक में था, इसीलिए उसने इसको इब्राहिम लिंकन को जो है गोली मारी। 1870 से जो ऑनवर्ड का टाइम है, खासतौर पर 1900 तक का जो इरा है, इन 20-30 सालों को वो जो है खासतौर पर अमेरिका की एक गिल्डिड एज के नाम से जाना जाता है। ये गिल्डिड एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक इस तरह है कि जैसे मुलमाकारी है, सोना चढ़ाया गया ऊपर और अंदर कुछ हो रहा है। ये हुआ ये कि अमेरिका बजाहिर इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, संतें बन चुकी थी, तरक्की हो रही थी, अमेरिका रकबे में बढ़ रहा था, आए दिन अमेरिका जो अपने मगरिब में भी ज्यादा से ज्यादा अपना रकबा बढ़ा रहा था। पैसिफिक ओशन में हमने देखा, ऊपर अलास्का का इलाका उसने रूस से खरीद लिया मगरिब में, और नीचे पैसिफिक ओशन में जो है उसने अपना कब्जा, अपना ताकत बनाने के लिए जो हवाई का इलाका पर्ल हार्बर उस पर कब्जा कर लिया, अपना बैरिडा बेस बनाया उसको। अब ये अमेरिका जैसे जैसे बढ़ रहा है और फिर तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, साइंस टेक्नोलॉजी आ रही है, इकोनॉमी अमेरिका की बेहतर हो रही है, इन सारे मामलात के साथ साथ जो मसला हुआ वो ये हुआ, जो इस एज को गिल्डी एज कहा गया कि ये एक मलम्मा का रही है, ऊपर सोना सोने का कवर दिखाया गया और अंदर कुछ और है, वो ये कि अमेरिका के अपने अंदर जो इसका सिविल सर्विस, जो इसका पोलिटिकल सिस्टम था, वो सारे का सारा ही तबाह हो चुका था। वहां पर रिश्वत आम थी, अफसर जो है, जो गवर्नमेंट मुलाजम है, वो मेरिट से हट के लग रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो रिश्वत पे और फेवरेटिज्म, पैट्रोनेज पे सिस्टम पे हो रही है। लिहाजा ये सारे मामला जो अमेरिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, इन मामलात से जो एक चीज सामने आई वो ये आई कि एक स्पॉइल सिस्टम शुरू हो गया। इसमें ये था कि जो जीतेगा वो अपनी मर्जी से अपने लोगों को लगाएगा। अब होता ये कि जो पार्टी इकतदार में आती, और फिर देखें आप, वो साथ के साथ कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी लेते हैं कि किस तरह कैपिटलिज्म आई और किस तरह कैपिटलिस्ट लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अब होता ये था कि जो भी नई हुकूमत आती, वो हुकूमत आके तो अपने पसंद के लोगों को, जो उस हुकूमत के वफादार और चाहने वाले, तो उनको बड़े ओहदों पे बिठाती और इस तरह वो लोग जो हैं अमेरिका के कंट्रोल करते। लेकिन जब नई हुकूमत आती तो वो अपने लोगों को बिठाती। और ये याद रखें, ये अब अमेरिका के ऊपर क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अरूज पे जा रही है, और यहाँ पे एक किस्म का आप कह सकते हैं हम कि कैपिटलिस्ट ग्रिप बनती जा रही है यहाँ पे, और जो नए सदर आते हैं वो बिलाशुबा कैपिटलिस्ट तबके के ही लोगों के मन पसंद लोग अमेरिका के सदर के तौर पे उम्मीदवार बनते हैं, और हत्तुल इम्कान कोशिश होती कि वही लोग इसकी सदर की सीट पे बैठे। तो खैर ये एज जो है इसने अब एक 1881 में जेम्स गारफील्ड जो प्रेसिडेंट बने, वो इस स्पॉइल सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, उन्होंने इस स्पॉइल सिस्टम के खिलाफ काम किया, रिफॉर्म्स की, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अपने लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि इस निज़ाम को बदला जाए, इसको ख़त्म किया जाए, सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। अब ये देखिए, ये पॉलिटिकल इशू आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक निज़ाम का मसला आ रहा है यहाँ पे। तो खैर ये मामला चला, जेम्स गारफील्ड ने कोशिश की, जो जो लोग नहीं चाहते थे कि ये वाला निज़ाम, पेट्रोनेज सिस्टम ख़त्म हो, स्पॉइल सिस्टम ख़त्म हो, उन्हीं लोगों को स्टारवर्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसी एक स्टारवर्ड ने ही फिर जेम्स गारफील्ड को जो है वो गोली मार दी। अब देखें ये दूसरा अमेरिकी सदर है जो गोली लगने से मरा, पहला इब्राहिम लिंकन 1865 में, दूसरा जेम्स गारफील्ड। खैर 1883 को अमेरिका की कांग्रेस ने एक पेंडल्टन एक्ट पास किया, और उस एक्ट के तहत जो उसमें ये, अब ये जब जेम्स गारफील्ड को गोली लगी तो ये चीज़ बड़ी हॉट स्पॉट हो गई, हॉट टॉपिक बन गया अमेरिका में कि किस तरह हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, और स्पॉइल सिस्टम को ख़त्म किया जाए, मेरिट पे नौकरियां लगाई जाए, जो लोग काबिल हैं उनको लगाया जाए, ना कि हर आने वाली हुकूमत अपनी पसंद के लोगों को बना दे। लिहाजा 1883 में प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, आवाम की डिमांड, एहतजाज इतना ज़्यादा हो गया पूरे के पूरे में अमेरिका में कि कांग्रेस को जो है पेंडल्टन एक्ट पास करना पड़ा। उस एक्ट के तहत जो है वो यही था कि एक मेरिट की बुनियाद पे, एक जो ब्यूरोक्रेसी का एक निजाम लाया गया कि मेरिट की अहलियत की बुनियाद पे हर आदमी जो है सरकारी नौकरी पे लगेगा। अब देखें
ये तो मामला चल रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के बाद भी कोई लोगों का इस्तेहसाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि मामला क्या हुए कि ये इस्तेहसाल जारी रहा। जो लोग नौकरियां कर रहे थे, यूरोप से लोग इधर आ रहे थे, आके इंडस्ट्रीज में संतों में नौकरियां कर रहे थे, तो अब मुलाजम बहुत ज्यादा हो गए थे, जॉब्स थोड़ी हैं, लेकिन जॉब्स की के जो नौकरियां करने वाले ख्वाहिशमंद लोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उधर गुलामी की तहरीकें हैं। और फिर अब हुआ क्या कि 12-12, 16-16 घंटे जो है फैक्ट्रियों में काम करवाया जाने लगा फैक्ट्री मुलाजमीन से। इस चीज के ऊपर इन फैक्ट्री मुलाजमीन ने एहतजाज किया और हड़तालें की। अब उन हड़तालों का नतीजा क्या निकला कि जनाब लोग बाहर निकले, जो मुलाजमीन थे उन्होंने हड़तालें की, तो फैक्ट्री मुलाजमीन ने, अब वो जो कैपिटलिस्ट जो ताकत है, वो जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई आपने हड़तालें करनी है, कोई मसला नहीं, हड़ताल करें, हम नए बंदे ले आते हैं। तो ये जो मुलाजमीन ने एक शटर तोड़ हड़ताल शुरू की थी कि सारी शिकागो की सनतें बंद हो गई और सारे मुलाजमीन एहतजाज पे जब बाहर निकले, तो क्या पता लगा पीछे से उन्हीं कैपिटलिस्ट तबके ने कहा ठीक है आप नौकरियों से फारिग, और हम अपने नए लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको बिठा लेते हैं और जो है फैक्ट्रियाँ चलेंगी। अब जब ये मामला हुआ, मुलाजमीन में गमो गुस्सा और बढ़ गया, और ये शिकागो की एक फैक्ट्री कह लें आप, इंडस्ट्री कह लें, उसके मुलाजमीन जब वो उस पर उन्होंने हमला किया इसी गुस्से में कि आप बजाय हमारी बात मानने के, हमारे वर्किंग आवर्स काम करने के, हमारी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय आपने हमें बिल्कुल निकाल दिया और नए बंदे रख के आप अपना काम चला रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसी उसमें एहतजाज में जो है कुछ मजदूरों को गोलियां लगी, और ये मामला जो है ये घास मंडी का वो इलाका था जिसमें ये मामला हुआ, और ये 4 मई को ये मामला हुआ और लोग मरे। इसी की याद में फिर बाद में 1 मई को आलमी जो लेबर डे हम मनाते हैं, वो इसी वाकये की घास मंडी की याद में जो मजदूरों पे गोलियां चलाई गई। खैर ये मामला चलता था, और फिर 1916 के अंदर जो है वो एडमसन एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत अब देखें 1883-81 से यह मामला चल रहा है, और 1916 के अंदर जाके जो एडमसन एक्ट आया, और उसने कहा कि रेलवे के जो मुलाजमीन है उन मुलाजमीन का जो बेसिक वर्किंग आवर्स होंगे वो सिर्फ 8 होंगे और इससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम जो दफातर हैं, तमाम संतों के अंदर जो है, तमाम मुलाजमीन के लिए वर्किंग आवर्स जो है वो 8 हो गए। तो जो आज मुलाजमीन 8 आवर्स वर्किंग आवर्स को इंजॉय करते हैं, वो उनके पीछे इन्हीं का हाथ है, मजदूरों का, जिनको गोलियां लगी। और इसमें जाब जा अगस्त स्पाइस का नाम जो है वो सदे फहरिस्त आता है कि अगस्त स्पाइस जो है उसने सारे मामले को लीड किया, और उसी के मरने पे ये तमाम मामला हुआ। फिर 1916 में खैर एडमसन एक्ट के तहत इसको 18 आवर्स को वर्किंग आवर्स बनाया जी। 1895 तक जो है वो जो फ्लोरिडा ईस्ट में जो अटलांटिक ओशन है उसका जो नीचे नॉर्थ में फ्लोरिडा का इलाका है, ये कॉलोनियों के नीचे 13 मेजर रियासतों के नीचे जो है वो एक बिल्कुल एक चोंच सी बनी हुई है, एक हिस्सा समुंदर में आया हुआ उसमें, तो वो फ्लोरिडा के नीचे ही क्यूबा का इलाका है। ये क्यूबा का इलाका हमने देखा कि जब से इस पे फ्रांस का ही कब्जा था, जब से क्रिस्टोफर कोलम्बस ही आया और वो इन इलाकों में आया, तो ये क्यूबा के जजायर पे ही, और फिर हिस्पेनोला के जो इलाके थे, डोमिनिका रिपब्लिक हटाई का जो इलाके थे, तो क्यूबा पे भी स्पेन की थी, और यहाँ पे क्यूबा में भी अब जो है क्यूबा के जो मुकामी लोग थे वो स्पेन के खिलाफ जो है वो आज़ादी चाह रहे थे, और फिर इसी तरह ये झड़पें उनकी मुकामी लोगों की अपने ऊपर, जो स्पेन था जो कॉलोनियल पावर था यहाँ क्यूबा के लोगों पर, उसके साथ स्पेन के साथ मुकामी लोगों की झड़पें चल रही थी। खैर अमेरिका की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिका यहाँ पर तजारत कर रहा है, अमेरिका के बैदी जहाज आ जा रहे हैं, अमेरिका के ताजर यहां पे हैं, तो अमेरिका की तजारत बहुत बड़े पैमाने पे थी और वो मुतासिर हो रही थी, लिहाजा अमेरिका ने इस झड़प में, इस जो जंगे आजादी थी क्यूबा के लोगों की, स्पेन जो के कॉलोनियल पावर था उसके खिलाफ, उसमें अमेरिका ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, अमेरिका ने क्यूबा के लोगों की मदद की। और फिर 1895 में ही हम देखेंगे कि अमेरिका ने स्पेन की 4 जो बड़े जजायर हैं, क्यूबा, पोर्टिको रिगो, ये साथ ही हैं क्यूबा, फिर साथ ही पोर्टिको रिगो और गुआन और फिलिपाइंस, इन 4 जजायर पे अमेरिका ने हमला किया, और इन 4 जजायर को जो है अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई की, और इन 4 जजायर पे अमेरिका का कब्जा हो गया। फिलिपाइंस ने कुछ रेजिस्टेंस दी, लिहाजा अमेरिका ने 1902 तक जो है फिलिपाइंस के अंदर भी अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया। इस तरह ये सारे इलाके भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बनते चले गए। फिर हम देखेंगे
कि जो हमारे बाकी इलाके हैं उसमें के अंदर पनामा का इलाका जो ये क्यूबा की साइड पे बारीक सी पट्टी जो ऊपर हॉन्डुरस का इलाका और फिर उससे नीचे पनामा का इलाका, वो बारीक सी पट्टी फिर आगे कोलंबिया। तो उस वक्त तक जो है 1903 तक पनामा जो है वो कोलंबिया का ही हिस्सा था, लेकिन पनामा भी कोलंबिया से ज़्यादा होना चाह रहा था। और ये पनामा और कोलंबिया के दरमियान में भी 1903 के दौर में जो है वो पनामा कोलंबिया से अपनी आज़ादी चाह रहा था, उससे अलहदगी चाह रहा था। तो खैर ये 1903 में हुआ क्या, अमेरिका ने पनामा के लोगों की मदद की। अब खाना जंगी हो रही है, पनामा कोलंबिया से अलहदगी चाह रहा है, ये खाना जंगी हो रही है। अमेरिका ने क्या किया, अपने बैरी बेड़े जो हैं वो इधर इस साइड से पैसिफिक ओशन में और यहाँ नॉर्थ से, दोनों साइडों से अपने बैरी बेड़े जो हैं वो भेजे। और बकायदा जमीनी पनामा की जमीन पे भी अमेरिका गया और उसने मुकामी जो लोग अलहदगी पसंद लोग थे उनके खिलाफ, उनके साथ मिलकर उनकी मदद की। और इस तरह जो कोलंबिया लड़ रहा था पनामा के लोगों के अलहदगी पसंद लोगों से, वो उनका मुकाबला ना कर सका और कोलंबिया हार गया। और पनामा ने इस तरह जो है कोलंबिया से आजादी हासिल की, यानी आजादी नहीं अलहदगी हासिल कर ली। अब ये जाहिर है अमेरिका की दौलत हासिल की थी, तो अमेरिका ने इस पनामा के अंदर, अब देखें ये यहाँ पे नॉर्थ ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे अमेरिका के मगरिब में पैसिफिक ओशन है। और अगर ट्रेड करनी है अमेरिका ने तो वो यहाँ से सारा नीचे सारी पट्टी मैं आपको शो मैप में दिखा दूंगा, यहाँ से उसने गुजर के जाना है। तो ये जो पनामा, ये तकरीबन जो काफ़ी हज़ारों किलोमीटर का जो बन रहा है सफ़र, वो ये इस 82 से 85 किलोमीटर के पतली सी पनामा की पट्टी में से बन रहा है। और इस तरह आप ना अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में 82 से 85 किलोमीटर का सफ़र करके आसानी से आ सकते हैं। वो सफ़र जो महीनों में होना है वो दिनों का सफ़र बन सकता है। तो खैर अमेरिका ने जो कंपनी पनामा की, पनामा के अंदर नहर, ये पनामा केनाल जिसको हम कहते हैं, अमेरिका ने 1903 में, उस वक्त थियोडोर रूज़वेल्ट अमेरिका का सदर था, उसने 1903 में ये पनामा नहर का काम शुरू करवाया। वैसे इस पर काम पहले से चल रहा था, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वो नहीं पूरा हो रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने पनामा को आज़ाद किया तो, और फिर अमेरिका ने फंडिंग की और फिर ये पनामा नहर, 10 साल लगे इसको, 1903 में शुरू हुआ, 1913 में ख़त्म हुई। और इस तरह ये पनामा के अंदर, पनामा केनाल के जरिए अमेरिका का जो है तजारत जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई, और इन इलाकों पे, इन समुद्रों पे, ना अटलांटिक पैसिफिक ओशंस पे अमेरिका का जो है कब्ज़ा मुकम्मल हुआ। और इस तरह ये सारे इलाके नॉर्थ में 13 कॉलोनी है, फिर नीचे का जो ये न्यू ऑर्लियंस का इलाका, फ्लोरिडा का, और इस साइड पे फिर ये क्यूबा के इलाके, उस साइड पे लुइजियाना, और फिर उधर मैक्सिको का इलाका, मैक्सिको से ऊपर कैलिफोर्निया, और उससे ऊपर ये सारे के सारे इलाके, और उससे ऊपर कनाडा का इलाका, कनाडा के साइड पे मगरिब में ही हमने देखा कि वो अलास्का का इलाका, अलास्का के साथ ही एक बारीक सी पट्टी है, एक गैप है थोड़ा सा, उस गैप से आगे जो है मशरक़ का इलाका शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और उधर जाएंगे तो वो यहाँ से मशरक़ के साथ साथ मिलने लग जाएगा, और यहाँ से जापान के इलाके शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह अमेरिका ने जो 13 रियासतों से शुरू हुआ, उसने सारे के सारे इलाके पे जो है अपना कब्ज़ा मुकम्मल किया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बरआज़म के तौर पर जाहिर था तो सही, लेकिन एक बरआज़म भी बन गया। तो इसके साथ ही आज हमारी अमेरिका का जो एक ब्रीफ हिस्ट्री का टॉपिक था वो मुकम्मल हुआ। हमने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमने ये इतने जतन किया कि हम अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि आइंदा अब हमें अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जिन लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे, वो पहले के 4 वीडियोज़ भी गो थ्रू कर लें, और ये पाँचवीं वीडियो भी है। इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आप बच्चों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सके। तो इंशाल्लाह ताला अब ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम शुरू करेंगे। ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ तक ये सारी इसकी 50 रियासतें, और ये मैक्सिको फिर बाद में इसकी रियासत बनी। ये है वो टेक्सास जहाँ पे मैक्सिको ने बाहर से अमेरिका के लोग 13 कॉलोनियों से ला के यहाँ रखे। और ये ओक्लाहोमा का इलाका है, यही वो इलाका है ओक्लाहोमा का जहाँ आज का ओक्लाहोमा, और उस वक्त का ये वो इलाका है जहाँ पे इंडियंस के लिए ये रिजर्व किया गया था, और ट्रेल ऑफ टीयर्स का सफ़र करके यहाँ पे फोर्सफुली मुकामी कबाइलों को, कबाइल के लोगों को इस इलाके में जो है फोर्सफुली भेजा गया कि आप यहाँ जाके रहें और बाकी अमेरिका के किसी इलाके में आप नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये है हमारा कैलिफोर्निया जो कि इधर इसके साथ पैसिफिक ओशन के साथ लग रहा है, और ये ऊपर कनाडा से ऊपर अगर हम जाएं, ये नीचे अमेरिका सारा, ऊपर कनाडा का इलाका, और ये आप देखें ये कनाडा का इलाका का ये हिस्सा जो मगरिब में है, इसको अगर मैं जूम इन करूं तो ये आपको अलास्का का, ये अलास्का नज़र आएगा। और इसको मैं अगर जूम आउट करूँ तो ये देखें
ये जो इलाका है ये थोड़े सा, ये समुंदर की जो पट्टी है ये वाली, ये अलास्का, और जो इधर इस साइड पे जो ये वेल्स, बर्तानिया वाला वेल्स नहीं है ये, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये वैसे इस इलाके का नाम है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जमीन गोल कैसे है। ये है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये हम मगरिब में जा रहे हैं। देखें ये मगरिब में सारा, ये यूके, ये है यूके, आयरलैंड, और ये हमारा फ्रांस। और यूके और फ्रांस की ऐसे ही लगती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की एक दूसरे के साथ लगती है। ये देखें ये स्पेन आ गया, ठीक है। मैं अब जूम आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ से वो मशरक में मार्को पोलो ने लिखा था कि जनाब जो चीन और चाइना और जापान है वो इस यूके के मशरक में था, लेकिन ये है चाइना और जापान। मैं अगर जूम आउट करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ चाइना और ये जापान, अब ये आप देख रहे हैं ना जापान, ठीक है, और ये चाइना, यहाँ यहीं पे जो है कुबलाई खान का वो बड़ा मशहूर सोने चांदी का बना हुआ महल भी था। अच्छा, अब ये मार्को पोलो ने मशरक में जाना था और वो मगरिब की तरफ, यहाँ से स्पेन से निकला, स्पेन से और मगरिब की तरफ सफ़र करके इस अटलांटिक ओशन से होता हुआ इन इलाकों में आया जो हमने देखा था। इन इलाकों में पहले बहामास पे आया, फिर डोमिनिका रिपब्लिक हटाई, जमैका, इन सारे इलाकों पर स्पेन का कब्जा हुआ, वो मगरिब में आया, और ये अमेरिका इसके में है। लेकिन जब अमेरिका के ये 13 बड़ी कॉलोनी मशरिकी साइड पे जिसको अटलांटिक लगता है, और फिर ये सारे इलाके जो हैं, ये नॉर्थ वेस्ट का ये सारा इलाका दरमियान वाला, और फिर जब अमेरिका ने ये कैलिफोर्निया भी फतह किया, इस तरह जो है यहाँ से 13 रियासतों से लेके मशरक से लेके ये मगरिब तक, कैलिफोर्निया तक, सारे इलाके पे यूएस जो है यूएसए का कब्जा हो गया, और वो एक अटलांटिक से पैसिफिक ओशन तक जाने में कामयाब हुआ। ये है फ्लोरिडा का वो इलाका जिसके नीचे ये क्यूबा का इलाका है, ठीक है, ये क्यूबा, फिर पोर्टिको रिको, यहाँ पे हमने अभी देख लेंगे पोर्टिको रिको भी पड़ा, तो ये सारा इलाका। फिर ये जमीन गोल कैसे है, जब ये यूएस ने ये कनाडा के साथ, ये है, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। जब आप यहाँ से मजीद आप मगरिब में जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे जापान शुरू हो गया, जी हाँ, समझ आ रही है, ये जापान जो कि इधर पड़ा हुआ है यूएसए के मशरक में पड़ा हुआ है, ये पड़ा है जापान। लेकिन जब आप यहाँ से यूएसए के मगरिब में जाएंगे, अमेरिका के मगरिब में जाएंगे, तो यहाँ से फिर जापान ही शुरू हो जाता है, ये देख ले, समझ आ रही है, और ये फिर थोड़ा सा इधर करोगे तो पाकिस्तान। तो ये इस वजह से इसको कहा जाता है जमीन गोल है, ठीक है बच्चों।